सीसीएन न्यूज में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री बागेश्वर से चार बार के विधायक गोपाल रामदास जी के पुत्र और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रंजीत दास जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने अभी दावेदारी की है और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं, जन आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनकी आगे की योजना क्या है, किस तरह से वो बागेश्वर के विकास के लिए प्लान को देखते हैं। रंजीत भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सर्वप्रथम तो मैं आज 2022 की आपके दर्शकों को और पूरे क्षेत्रवासियों को नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपके कुटुंबजनों को, आपके परिवार को और आपके सारे नाते रिश्तेदारों को ये आने वाला साल जो है वो सुखमय रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आपके परिवारजन। यही कामनाओं के साथ मैं आप सबको जो है एक बार 2022 की बधाई देता हूँ जी। रंजीत भाई, इस बीच चर्चा ये है कि आपने भी पार्टी में दावेदारी की है और बहुत सारे और लोग भी दावेदार हैं, मेन उसमें जो है बालकृष्ण जो पुराने चुनाव लड़े उनका नाम भी है, भैरवनाथ टमटा जी हैं, सुनीता टमटा हैं, कई लोग उसमें दावेदार हैं, तो आपका दावा क्यों मजबूत आपको लगता है? क्या आप में खास है कि औरों को ना मिले आपको टिकट मिले? देखिए पांडे जी, मेरा जो दावा इसलिए मजबूत होता है, एक तो जो ये बागेश्वर की विधानसभा है, इस विधानसभा में मेरे पिताजी ने चार बार प्रतिनिधित्व किया है, 78 और 80, 85 और 89। तब मैं उस वक्त बच्चा था, जब उस वक्त छोटा बच्चा था, तो मैंने सीखा अपने पिताजी से कि राजनीति में लोगों की सेवाएं कैसे की जाती हैं, लोगों के काम कैसे किए जाते हैं। अनुभव के अनुसार तो मैंने 89 से ही मैंने जो है अपना जो लास्ट उनका जो चुनाव था तब से ही मैंने राजनीति में थोड़ी सी अपनी तो रुचि दिखाई थी, तब से लेकर लगातार जो है मैं जो है जनता के बीच में उनके साथ रहा और उनका अनुभव का भी मैंने लाभ उठाया। तब से लेकर मैंने धीरे धीरे मैंने जो है अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। राजनीतिक करियर मैंने 2002 से जो है अपना जो विभिन्न कार्यक्रम हमारे प्रदेश कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस के आते थे, उनसे हम जुड़े और जो है जनता के बीच में हम जाते रहे। इसलिए जो है 2003 में भी जो है हमने टिकट की दावेदारी करी थी, उस वक्त भी शीर्ष नेतृत्व ने हमको जो है इस योग्य नहीं समझा था। हो सकता कि हम परिपक्व नहीं थे उस टाइम राजनीति में, लेकिन फिर हमने जो है जनता के बीच में अपना जाना शुरू किया और कई जन आंदोलन हम लोग स्टार्ट किए। उस वक्त के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे, उनके साथ, और 2010 की आपदा में हमने पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो है अपना भ्रमण कार्यक्रम किया, लोगों की मदद की। धीरे धीरे हमने अपना जो है ग्राउंड जो है बनाया और 2012 में मैंने मजबूती के साथ जो अपना दावेदारी पेश करी थी। उस वक्त जो है शीर्ष नेतृत्व ने सोचा होगा कि भाई अभी ये परिपक्व नहीं। मैं फिर कांग्रेस के साथ रहा और कांग्रेस के लगातार कार्यक्रमों में मैं हिस्सेदारी करते रहा और आज मैं अभी तक की जितने भी हम इस बागेश्वर के अंदर दावेदार हैं, मैं अपने आप को जो है उसमें सबसे सीनियर और सबसे पुराना कांग्रेसी होने के नाते मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ जी। अच्छा रंजीत भाई, पिछले 2012 में भी आपने दावा किया था और 2017 में तो आपका दावा बहुत मजबूत था, लेकिन किसी कारण से आपको नहीं मिल पाया, तो आपको इस बार कितना भरोसा है टिकट मिलने को लेके, हाईकमान से कितनी आपको उम्मीद है? देखिए भरोसा तो मुझे 2012 में भी था और 2017 में भी था, तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हाईकमान को जो निर्णय अपने बदलने पड़ते हैं, तो उन्होंने निर्णय बदला होगा, सोचा कुछ और होगा, कुछ और इसमें हो गया, लेकिन मैं फिर भी जो था कांग्रेस को मैं अपने आला जो हमारे नेतागण थे उन पर हमने कभी नाराज़गी जाहिर नहीं की। हो सकता है कि हमें ही कुछ कमी रही होगी, इसलिए जो नहीं दिया उन्होंने टिकट, तो जिसके साथ जिसको भी टिकट दिया था हम उसके साथ खड़े थे जी। अच्छा, इसमें पिछली बार जब आपको टिकट नहीं मिला था तो आपने निर्दलीय तौर पर एक बार अपना नामांकन कराया था, लेकिन हालांकि आपने वापस ले लिया था, तो इस बार क्या ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब आपके पास वक्त भी बहुत कम है, और अगर टिकट नहीं मिलने की स्थिति में क्या निर्दलीय उतरने का इरादा है? जी सूर्य भाई, देखिए समय, अब मेरी एज भी इतनी हो गई है कि शायद अगले 5 साल फिर मैं और इंतज़ार ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन परिस्थितियाँ कैसी बनती हैं, क्या वो होता है, इस बारे में भी सोचा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारे इस बार के जो हमारे मुखिया हैं वो मेरे ऊपर ज़रूर भरोसा करेंगे और जो मेरी अभी की दावेदारी वो पहले से भी अधिक तैयारी के साथ मेरी दावेदारी है, और अभी मैंने सोचा नहीं निर्दलीय लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पिताजी के संस्कार हैं कि भाई कांग्रेस को आपने कभी जो है छोड़ना नहीं है, तो जब भी जीवन का अंतिम
अंतिम पड़ाव भी हम जो है कांग्रेस के साथ ही बिताएंगे, ये अभी तक ही हमने सोचा है और ऐसे कोई चुनाव लड़ने का कोई मेरा भी कोई इरादा भी नहीं है जी। अरे रंजीत भाई, एक आप पर एक बात ये आती है कि आपके पिताजी 4 बार विधायक रहे बागेश्वर से, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और उसके बाद वो मंत्री भी रहे, तो आप पर ये आरोप लगता है कि बार बार आप उनके नाम का इस्तेमाल करते हो, आपकी व्यक्तिगत कोई ऐसी निजी उपलब्धि ऐसी कुछ नहीं है जिसके जिसको आप जनता में रख सकते, क्या कहना चाहेंगे शाहरुख? नहीं सुरेश भाई, देखिए 89 मैंने जैसा आपको बताया कि 89 उनका जो था लास्ट चुनाव था और 92 में राम लहर के दौरान वो हार गए थे, तब से उन्होंने राजनीति अपनी थोड़ा सा सक्रियता कम कर दी थी और उसके बाद 2003 तक 89 के 2003 तक की मैंने स्वयं ही इस बागेश्वर में उनका नाम, तो चलो उनका नाम था वो तो सभी को पता है, पूरी विधानसभा बागेश्वर में पता है, लेकिन मैंने अपना जो गढ़ बनाया, अपना जो वो बनाया जमीन तैयार की, मैंने उसको 20% जो है अपने पिताजी का नाम का इस्तेमाल किया और 80% जो है मैंने गांव में जाके और लोगों से मिलके और अपना जो मैंने जमीन आंदोलन किए और सब किए, मैंने जित वो किए, मैंने जो जमीन मैंने बनाई वो मैंने स्वयं के अपने प्रयासों से बनाई और जो भी मैंने अपने ऊपर के नेता लोग हैं हमारे जो आदर्श हैं हरीश राव जी, उनके दिशा निर्देशों में उनके अनुभवों का भी हमने लाभ उठा के हमने जनता के बीच में रहा और लगातार मैं 89 के बाद जनता के बीच में, आज ये 2022 आ गया, मैं जनता के बीच में रहा, उनके सुख दुख दर्द में उन्हीं के बीच में खड़ा रहा, तो मैंने स्वयं का जो मैंने ज़मीन तैयार किया वो मैंने अपनी पिताजी का मैंने कम नाम का इस्तेमाल कम किया और जो है अपनी जो मैंने बनाई मैंने अपनी ज़मीन खुद तैयार करी जनसभा बागेश्वर। अच्छा रंजीत भाई, आपके पास बागेश्वर के विकास के लिए ऐसा क्या प्लान है जिसको आप जनता के सामने रखना चाहेंगे और उसके लिए लड़ना चाहेंगे, क्या ऐसा प्लान है आपके पास? देखिए पूरे उत्तराखंड में ही जो है समस्याओं का अंबारी है, जब से हमारा राज्य बना है तो ये राज्य तो जो है इसमें समस्याएँ निरंतर बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन बागेश्वर विधानसभा के अंदर जैसे स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गए और जो शिक्षा हो गई, क्योंकि देखिए विधानसभा बागेश्वर में एक हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बिल्डिंग बना दी गई है लेकिन उसके अंदर सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है, एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। इसमें मेरा प्रयास रहता अगर मैं मुझे यहाँ का मौका दिया देती है जनता, अगर हमारे नेता लोग मेरे पर भरोसा करते हैं, तो मेरा प्लान है कि इन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल डॉक्टरों की मशीनों की अल्ट्रासाउंड हो चाहे सीटी स्कैन हो, तो इनकी एक परमानेंट व्यवस्था जो है वो करी जाए, जो कि यहाँ के जो लोग हल्द्वानी को रेफ़र होते हैं और रास्ते में एकदम तोड़ देते हैं वो, तो कम से कम उनको यहाँ पे फर्स्ट एड मिल जाए और एक आध दिन उनको जो है यहाँ पे अत्यधिक उनकी सुविधाएँ जो दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से उन सुविधाओं का वो करा जाए। और शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा है, पलायन है, इन सब चीज़ों के देखो टीचर आने नहीं चाहते, अच्छे टीचर आने नहीं चाहते, जो भी है यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद कहते हैं 2 दिन ज्वाइन करने पर ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना कि हमारे बच्चे जो है बाहर न जाएं पढ़ने के लिए, तो यहीं पर उनकी अच्छी शिक्षा की जो सुविधाएँ होती होनी चाहिए। और प्रत्येक गाँव को जब तक हम सड़क से हम जोड़ेंगे नहीं तो पलायन रुकेगा नहीं, क्योंकि जब तक सड़क जाएगी नहीं आपके गाँव तक तो आदमी सोचता है यार मेरे से गाँव में सड़क है नहीं तो क्या करना है भाई, बच्चे रखे चलो हल्द्वानी की तरफ चले जाते हैं, उस प्लान को हम रोक सकते हैं, अत्यधिक रोक सकते हैं जब हम गाँव में जो है सड़कों का जो हम जाल बिछाएंगे तो सारे गांव जो है विकास की उसमें आ जाएंगे, तो यही मेरा आगे का जो मेरा प्लान होगा यही रहेगा जी। अच्छा रंजीत भाई, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं रहती है, अक्सर धड़ों में बटी रहती है, और एक दूसरा सवाल ये भी है कि प्रदेश नेतृत्व को लेकर सवाल है, कि चेहरे को लेकर सवाल है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, हालांकि अभी कुछ चीज़ें सुलझी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और संगठन कितना आपका मजबूत है यहाँ पर? देखिए संगठन हमारा बहुत मजबूत है और एकजुट भी है हम कांग्रेसी, हमें तो नहीं लगता कि भाई देखिए भारी भारी व्यक्ति कह सकता है दूसरे दल का व्यक्ति कह सकता है भाई ये लोग एक नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम एक हैं और जो 2022 का चुनाव होगा जिसको भी टिकट अगर हमारा आला कमान देते हैं तो हम एकजुट होकर जो है उसको चुनाव लड़ेंगे। और इस प्रदेश में हमारी कांग्रेस की जो जान है अनुभव के अनुसार, चाहे अनुभव कह लीजिए, क्योंकि 42 साल से तो मैं हरीश राव जी को उनके बहुत ही करीब से मैं उनको जानता हूँ, बहुत ही करीबी मैं उनके साथ रहा हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने उनको देखा, क्योंकि वो उन जैसा नेता शायद ही इस उत्तराखंड में मिल पाना मुश्किल है, और उनका जो चेहरा है उसी चेहरे पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग
कम से कम 55 पार जो है इस बार सीट उनके चेहरे पर हम लेके आएंगे जी। अच्छा रंजीत भाई, बागेश्वर जिले में जो है आम आदमी पार्टी भी बहुत सक्रिय है, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी भी बहुत सक्रिय स्थिति में यहाँ पर रही है, उसका नुकसान कांग्रेस को अक्सर उठाना पड़ता है, तो इस बार को आप दोनों को आप देख रहे होंगे राजनीति तौर पर कितने वो सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है कि कितना आपको डैमेज कर पाएंगे, कितने वो मजबूत हुए हैं? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि आप पार्टी कहीं कोई किसी को नुकसान पहुँचाएगी। आदमी जब इस फील्ड पे उतरता है, क्योंकि वो इससे पहले तो मेरे ख्याल से बसपा में कहीं चुनाव वुनाव लड़ते थे, तो उसके बाद वो आप में आए, तो आपका मुझे लगता नहीं जनाधार वो लोग बना पाएंगे, क्योंकि देखो दिल्ली की तर्ज पे आप दिल्ली को अगर की तर्ज पे अगर आप उत्तराखंड का वो करना चाहेंगे तो ये असंभव है, और ये देवभूमि है, इसको देवभूमि ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको जो है दिल्ली बनाने की अगर आप कोशिश करेंगे, जैसे आप वाले कहते हैं कि हम इसको इनको दिल्ली बना देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम इस देवभूमि में हैं तो इसको देवभूमि रहने दिया जाए, इसको दिल्ली ना बना दिया जाए, और इससे हमारी पार्टी को आपसे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप पार्टी का जनाधार मैं जहाँ देखता हूँ, इनके कार्यकर्ताओं को देखता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि ये 2-3 हज़ार या 4 हज़ार से ऊपर कहीं ये 2022 के चुनाव में वोट ला पाएंगे, इनका जनाधार कुछ नहीं, और फिलहाल कांग्रेस को इनसे कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। धन्यवाद रंजीत भाई हमसे बातचीत करने के लिए, आपने समय निकाला, धन्यवाद सुरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ बागेश्वर विधानसभा से कांग्रेस में दावेदारी करने वाले ऐसे दावेदार रंजीत दास, जो अपनी पिता की विरासत को तो आगे ले जाना चाहते हैं, साथ ही बागेश्वर के विकास के लिए भी उनके पास एक खास मॉडल है, उनको लगता है अगर हाईकमान उनको मौका दे या वो भविष्य में विधायक बन पाए तो उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस मॉडल के जरिए बागेश्वर जिले को एक विकसित जिले की श्रेणी में रखना उनका लक्ष्य है। CCN न्यूज़ के लिए मनोज कुमार के साथ मैं सुरेश पांडे।